मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेठ और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मानकुर लिंक रोड ब्रिज पे। शुरुआत यानी उद्घाटन से ही सुर्खियों में रहने वाला ये ब्रिज है, क्योंकि जब इस ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने उस दौरान ही ये कह दिया था कि ये ब्रिज पे सरफेसिंग का काम बाकी है, इसे सरफेसिंग का काम करके इस ब्रिज को अच्छा किया जाए। क्योंकि लगातार जब से उद्घाटन हुआ तब से लेकर अब तक लगातार इस ब्रिज पे कई एक्सीडेंट होते हुए नजर आते हैं, अक्सर बाइकर लोगों की मौत होती है इस ब्रिज पे। अब डीएमसी ने एक फैसला लिया है इस ब्रिज पे, जो ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बेहद सख्त कदम उठाते हुए डीएमसी ने ओवर स्पीडिंग कैमरा लगाने की बात कही है, जिसमें 54 लाख का फंड पास किया गया है। अक्सर ये ब्रिज सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि ये ब्रिज पे एक्सीडेंट होता है। हाल ही में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बैन कर दिया गया था, मगर अब टू व्हीलर थ्री व्हीलर की आवाजाही चालू हो गई है और एक्सीडेंट का सिलसिला भी चालू हो चुका है। इस पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी ने ओवर स्पीडिंग कैमरा लगाने की बात कर रही है, एक योजना बनाई है जिसमें 54 लाख का फंड पास किया गया है। अब देखना ये रहेगा कि ओवर स्पीडिंग कैमरा लगाने से कितना लगाम लगता है इस एक्सीडेंट पे और रश ड्राइविंग पे। कैमरा पर्सन फजल के जैन सैयद, मुंबई टीवी, मानकुर लिंक ब्रिज।